से स्वागत है स्मार्ट क्लास के यूट्यूब चैनल में आप लोग का। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर का टेंस का, ठीक है, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस को पढ़ेंगे। फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस को कभी कभार फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस भी बोला जाता है। इसका दो नाम है, फ्यूचर इम्परफेक्ट और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो इस टेंस में होता क्या है, देखिए, ये जनरल सा एक ऐसा टेंस है जिसमें हर चीज का एक अंदेशा लगाया जाता है। अंदेशा का मतलब कि हम लोग बोलते हैं ना प्रिडिक्ट करना, ठीक है, तो वो होता है इसमें। जैसे राम आ रहा होगा, सीता जा रही होगी, तो सीधा अर्थ है इसमें कि ऐसे वाक्य जिनके वर्ब के साथ रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, ता आ रहा होगा, ते रहे होंगे, ऐसे वाक्य हो जुड़े हुए, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस या फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस बोलते हैं। ठीक है, इस तरह के वाक्यों को हम अभी पहचानने का हम लोग नियम जान लिए। अब जानते हैं इसको बनाया किस तरह जाता है। तो बनाने का सिंपल सा नियम है, पहला वही चार फॉर्मेट को यूज करेंगे हम लोग, ठीक है, जो चार फॉर्मेट सब टेंस में हम लोग पढ़ चुके थे। अब इसमें भी बहुत इजीली आपको तैयार करना है, कोई भी हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, आराम से हो जाएगा। कुछ नए नए चीज को इसमें शामिल किया गया है। जैसे इसका पहला फॉर्मेट में आप देखते होंगे कि इसमें सब्जेक्ट तो लगता है, साथ में क्या लगता है, सेल या विल, सेल या विल प्लस बी लग जाता है, और बिफोर भी होता है और ऑब्जेक्ट भी। मतलब कि ये थोड़ा मिक्सिंग है, इसमें नया नया चीज क्या क्या मिला। सेल विल तो पहले से बता दिए, सेल किसके साथ लगेगा, विल किसके साथ लगेगा। उसके बाद आपको क्या यूज करना है, इसमें बी लगाना है, क्या लगाना है, बी, बी ई बी, और भरपूर। तो ये बी जो है ये नया एक बोल सकते हैं पर्सन आया है, या नया एक ग्रामेटिकल वर्ड आया है जो आपको यूज करना है इसमें फ्यूचर इम्परफेक्ट और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। अब देखिए इसको जरा हम लोग बनाते हैं, पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है। सीता पत्र लिख रही होगी, सीता पत्र लिख रही होगी, तो इसका क्या हो जाएगा, सीता के साथ सेल लगेगा या विल लगेगा, विल लगेगा, बताया था ना कल का क्लास में, तो होगा सीता विल बी राइटिंग ए लेटर, सीता विल बी राइटिंग ए लेटर। अब एक और सेंटेंस लेते हैं, मोहन भोजन कर रहा होगा, देखिए सब में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी लगा हुआ है, मोहन भोजन कर रहा होगा, मतलब इस वाक्य से क्या पता चल रहा है कि जो काम है ये आपका सोचा हुआ है। अब ये रियली में ऐसा है या नहीं ये कोई क्लियर नहीं है, तो इसको कैसे बोलेंगे, मोहन विल बी ईटिंग, ठीक है, मोहन भोजन कर रहा होगा, यही क्वेश्चन था ना, तो मोहन विल बी ईटिंग। अब अगला सेंटेंस अगर बनाते हैं, तुम पत्र भेज रहे होगे, तुम पत्र भेज रहे होगे, तो इसका क्या हो जाएगा, यू विल बी सेंडिंग ए लेटर, यू विल बी सेंडिंग ए लेटर। तो देखिए कितना अच्छा सा बना लिए। एक सेंटेंस और रिपीट लेते हैं, मैं कल दौड़ रहा हूंगा, ठीक है, मैं कल दौड़ रहा हूंगा, तो इसका क्या हो जाएगा, आई शैल बी रनिंग, आई शैल बी रनिंग टुमारो, हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या सीखे, इस तरह से हम लोग सीख लिए कि फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस में पहला फॉर्मेट को किस तरह बनाया जाता है। अब दूसरा फॉर्मेट की तरफ जाते हैं, दूसरा फॉर्मेट वो भी बहुत सिंपल है, उसमें हम लोग को क्या सीखना है, उसमें हम लोग को नेगेटिव फॉर्म जानना है। किसको जानना है, नेगेटिव फॉर्म को जानना है। जैसे नेगेटिव फॉर्म में क्या होता है, रूल्स जानते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद सेल और विल होता है, सेल या विल होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद नॉट लगता है, उसके बाद बी लगता है, फिर क्या लगेगा, फिर वर्ब फोर और फिर ऑब्जेक्ट, वर्ब फोर और ऑब्जेक्ट। अब इसका कैसे हो गया, जैसे वह खाना नहीं खा रहा होगा, तो वह खाना नहीं खा रहा होगा, क्या होगा, ही विल नॉट बी ईटिंग, मोहन पत्र नहीं लिख रहा होगा, मोहन विल नॉट बी राइटिंग ए लेटर। उसके बाद एक और लेते हैं, मैं काम नहीं कर रहा हूंगा, तो आई शैल बी नॉट वर्किंग, क्लियर हो गया।
तो इस तरह से हम लोग देखिए कितना अच्छा से नेगेटिव के बारे में जान लिए। अब अगला फॉर्मेट जो है वो है इंट्रोगेटिव फॉर्म। इंट्रोगेटिव को भी इसी तरह जानते हैं। तो इंट्रोगेटिव में बस क्या होता है, सेल और विल जो है ना वो आगे आ जाता है, सब्जेक्ट बी बिफोर और ऑब्जेक्ट वो पीछे रहता है, तो इसको भी जानते हैं। तीसरा फॉर्मेट जो है इंट्रोगेटिव, तो इसमें सेल और विल दोनों आगे आ जाएगा, सेल या विल आगे आ गया, फिर उसके बाद क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद बी, उसके बाद बी फोर और फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सब्जेक्ट के पहले क्या लगाना है, इसमें सेल लगाना है, सेल के बाद फिर सब्जेक्ट का यूज करना है, उसके बाद बी लगाना है, फिर बी फोर और फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। जैसे अगर एक क्वेश्चन लेते हैं, क्या तुम्हारे पिताजी काम कर रहे होंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, विल योर फादर बी वर्किंग, हो गया। अगला क्वेश्चन, क्या तुम बाजार से आ रहे हो, विल यू बी कमिंग फ्रॉम मार्केट, विल यू बी कमिंग फ्रॉम मार्केट। अगला क्वेश्चन देखे, क्या शुभम सो रहा होगा, तो होगा क्या इसका, विल शुभम बी स्लीपिंग, तो कितना अच्छा से हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या जान लिए, इंट्रोगेटिव का भी फॉर्मेट जान लिए। एक लास्ट, एकदम लास्ट बचा हुआ उसको जानते हैं, वो है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव को कैसे बनाएंगे, देखिए आते हैं। तो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में क्या होता है कि ये दोनों का मिक्स फॉर्मेट होता है, इसका और इसका मिक्स फॉर्मेट होता है। यहां एकदम सिंपल तरीका से जानेंगे, तो यहां होता है सेल या विल प्लस सब्जेक्ट, क्या लगाएं पहले, सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, क्या लगाएं, नॉट, क्योंकि नहीं वाला है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है, प्लस बी, फिर भर फोर और लास्ट में क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, तो ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो देखिए इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे, बहुत ही इजी सा है। एक क्वेश्चन लेते हैं, क्या आप घर नहीं जा रहे, यू नॉट बी गोइंग होम, विल यू नॉट बी गोइंग होम। एक और सेंटेंस लेते हैं, क्या तुम दुकान में काम नहीं कर रहे होगे, तो विल यू नॉट बी डूइंग वर्क इन द शॉप। उसके बाद एक और सेंटेंस लेते हैं, क्या सीता परीक्षा नहीं दे रही होगी, तो विल सीता नॉट बी टेकिंग एन एग्जाम। ठीक है, उसके बाद एक और लेते हैं लास्ट, क्या दीपक फिल्म नहीं देख रहा होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, सिंपल सा है, विल दीपक नॉट वॉचिंग, नॉट के बाद बी लगाना है, तो विल दीपक नॉट बी वॉचिंग ए फिल्म, तो कितना अच्छा बन गया। तो ये था आज कुछ सेंटेंस, कुछ फॉर्मेट जो था फ्यूचर इम्परफेक्ट या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। तो ये उन चारों फॉर्मेट को हम लोग आज जाने और उन चारों फॉर्मेट से हम लोग आगे का क्वेश्चंस को बनाएंगे। आशा करते हैं कि आपको जितना भी मैंने बताया वो आपको समझ में आया होगा और जितना अच्छा से होगा वो और अच्छा सबको बताया जाएगा। कोशिश करते हैं कि आपको अगर क्वेश्चन सब समझ में आया हो तो इससे नए नए सेंटेंस बनाइए और नए नए तरीके से सेंटेंस को यूज करिए, इंग्लिश में यूज करिए, बोलने में यूज करिए, या फिर अपने कंपटीशन में जो जिनका इंग्लिश कमजोर है, जिनका भी इंग्लिश कमजोर है, वो छोटे छोटे वर्ड्स को याद करके इनसे सेंटेंस बनाइए, आपका आंसर शीट भी तैयार हो जाएगा। तो आज के लिए हम लोग इंग्लिश ग्रामर का क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।